अमूर बैसा के सभी मौजूद वोटर हजरात, सभी मान्यवर मतदातागण, मैं एक जरूरी अपील इस वक्त कर रहा हूँ। हम वोट के लिए तो इस वक्त अपील नहीं कर सकते, दुआओं के लिए गुजारिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक अहम और जरूरी बात, चाहे आप जिसी पार्टी के भी वोटर हो, ये इलाका सैलाब ज्यादा है। होना तो ये चाहिए था कि हर कटाव पर वाले गांवों में वहां बुद्ध का इंतजाम होना था, लेकिन बुद्ध का इंतजाम नहीं किया जा सका है। कई जगह नदियों को पार करके, नालों को पार करके लंबी दूरी तय करके लोगों को वोट देने के लिए जाना पड़ रहा है, और इसमें कई जगह से खबरें आ रही हैं कि साहब हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं हो सका, हम नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, माओ, बहनों और बेटियों, ये वोट नहीं है आपका हथियार है, आपकी इज्जत, आपकी आबरू, आपके नस्लों की आबरू, सीमांचल की बेहतरी का जरिया है। आप अपना वोट किसे भी दें, लेकिन वोट को जाया न करें, वोट का इस्तेमाल करें। मुझे अच्छी तरह मालूम है यहाँ हमारे नौजवान तमाशा देखने के लिए, बाजार जाने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए कई कई किलोमीटर की दूरियां तय कर लेती हैं। हमारी नेक माँ बहने, वो तो गांव के पड़ोसन की भी नानी मर जाए तो वो बासी मुंह ही चल पड़ती हैं और दो चार पांच किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं। क्या जिन लोगों का इस मुल्क में जुल्म ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ और अपनी नस्लों की बेहतरी के लिए क्या आप इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते? जरूर ये जो सफर आपका होगा, ये जो दूरी तय करेंगे, ये कार्य सवाब होगा, लोकतंत्र को जिंदा रखने का एक जरिया होगा। आप अपने एक वोट को भी बर्बाद न होने दें, चाहे जो भी दूरी हो, जो भी मुसाफत हो, अपने वोट का जरूर इस्तेमाल। ये हमारी गुजारिश है, ये निवेदन है, और हिंदुस्तान के हर बालिग शहरी की जरूरत है।